आज से BSNL स्विच कर गया 4G नेटवर्क में, आपको प्योर BSNL का 4G नेटवर्क कैसे कहां पे मिलेगा मैं आपको वो इस वीडियो में बताऊंगा। अंदर ही अंदर रिलायंस जो अपने कंप्लीटली 4G जो नेटवर्क है इसको ट्यून कर रहा है 5G के लिए, और रिलायंस जो ने दिया है 1 साल का फ्री रिचार्ज और डेटा और आपको सर्विसेज फ्री। 70,000 रिलायंस जो के सिम कार्ड यूजर इस ऑफर का मजा उठा पाएंगे। और भी काफी सारा न्यूज है, तो अगर आपको ये सारा न्यूज जाना है तो जरूर से वीडियो के अंत तक देखिए। दोस्तों वेलकम टू द फास्टेस्ट टेक न्यूज ऑन YouTube। यहाँ पे मैं आपके समय की कीमत को समझता हूँ और उसे रेस्पेक्ट भी करता हूँ, और उसके बदले में एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक का टारगेट है 2,500 लाइक, आई होप आप करवा दोगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, मैं उत्सव फ्रॉम कोलकाता, आप देख रहे उत्सव रॉक्स। दैट बीइंग सेड, चलून शुरू करा जाक। लास्ट वीडियो का पोल पे मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप IPL देखोगे, तो वहां पे 66% लोगों ने कहा हाँ, 34% लोगों ने कहा नहीं। और आज का जो पोल है जो आप कम्युनिटी पेज में जाके वोट कर सकते हो कि आपको Realme का Narzo 20 Pro के बारे में आपका क्या ख्याल है, जरूर से जाके वोट कीजिएगा। और आज का स्टार कमेंटेटर है मोहम्मद शाह आलम, थैंक यू सो मच आलम फॉर योर लवली कमेंट। आज का पहला अपडेट निकल के आता है टाटा स्काई की तरफ से। टाटा स्काई का जो स्मार्ट एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स है जिसको बिंच प्लस कहा जाता है, ये एक काफी एक्सपेंसिव सेटअप बॉक्स है, लेकिन इसके ऊपर अभी चल रहा है डिस्काउंट। इसका प्राइस है नॉर्मली 2,999 रुपया, लेकिन ये अभी डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है 2,499 रुपया फॉर एग्जिस्टिंग टाटा स्काई यूजर। अब यहाँ पे काफी स्पेशल फीचर है आपके रिलायंस जो गीगा फाइवर की, जैसे यहाँ पे आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम, Z5, वूड सिलेक्ट, वूड किड्स, सन नेक्स्ट, हंगामा प्ले, इरोज नाउ और शिमारो मी जैसे जितने भी OTT एप्स है इनका फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको मेंबरशिप मिल जाता है। आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा कि अगर आप एक सेटअप बॉक्स खरीदने के बारे में सोचते हो तो आप कौन सा खरीदोगे, स्टैंडर्ड, हाई डेफिनेशन या फिर एक स्मार्ट सेटअप बॉक्स। अगला अपडेट निकल के आता है रियलमी की तरफ से। आपको पता ही होगा कि रियलमी ने अपना Narzo 20 Pro स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जो करके रियलमी ने रियलमी 7 को ही कैसे इनवैलिड बना दिया, क्योंकि काफी सारा चीजें यहाँ पे आइडेंटिकल है, लेकिन रियलमी Narzo 20 Pro आपका चीपेस्ट फोन बन गया है इंडिया का, जिसपे आपको 65 वॉट का चार्जिंग देखने को मिलता है। स्पेसिफिकेशन क्या है इस पे, आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है जो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। मीडियाटेक का हीलियो G95 चिपसेट मिलता है। 6GB 64GB और 8GB 128GB का आपको ऑप्शन मिलता है। प्राइमरी आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर देखने को मिलता है। फ्रंट पे आपका 16 मेगापिक्सल का सोनी का IMX471 का सेंसर देखने को मिल जाता है। जो आपका फिंगरप्रिंट सेंसर है वो साइड में आपका माउंटेड है। 4500 mAh का बैटरी मिलता है, लेकिन जैसे ये 64W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है तो सिर्फ 34 मिनट में ही आपका जीरो से ये फुल चार्ज हो सकता है। 6GB 64GB का कॉस्ट है 14,999 और 8GB 128GB का कॉस्ट है 16,999। अगला अपडेट निकल के आता है, इट्स अ गुड न्यूज फॉर बिहार, क्योंकि इनिशियली बिहार में ये किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया फाइबर इंटरनेट सर्विस, ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सर्विस प्रोजेक्ट बिहार में। एक्चुअली एक आपका प्रोजेक्ट चल रहा है जहां पे 6 लाख गांव को जोड़ा जाएगा ऑप्टिकल फाइबर से 1,000 दिन के अंदर, और उसी का पहला काम स्टार्ट हुआ है बिहार में, जहां पे 45,945 गांव को जोड़ा जाएगा हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर से, जिसके लिए कॉस्ट आ रहा है 640 करोड़, और बहुत ही जल्द पूरे बिहार में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अगला निकल के आता है रिलायंस जियो के बारे में। रिलायंस जो एक ऑल ओवर इंडिया कंप्लीट 4G नेटवर्क है, इसमें ना ही 2G है ना ही 3G है, ये डेफिनेटली रिलायंस जो के लिए एक एडवांटेज है। लेकिन रिपोर्ट निकल के आया है कि रिलायंस जो अपना जो कंप्लीट 4G नेटवर्क है इसके ऊपर काम कर रहा है, यानी अपने 4G नेटवर्क को वो ट्यून कर रहा है अपना नेटवर्क इस जगह पे लेके जाने के लिए, जैसे जैसे ही आपका जो स्पेक्ट्रम कमर्शियली अवेलेबल हो जाता है 5G के लिए, इंस्टेंटली रिलायंस जो सबसे पहले 5G लॉन्च कर पाए। और डेफिनेटली उसके पहले हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर महीने के अंदर हमें रिलायंस जो की तरफ से हो सकता है कि हमें एक 5G स्मार्टफोन देखने को मिले
तो 5G स्मार्टफोन स्पेक्ट्रम आने के बाद सबसे पहले 5G, तो रिलायंस जियो के जो यूज़र होने वाले हैं उनको डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें बाकी लोगों से पहले मिलने वाला है। अगला अपडेट निकल के आता है व्हाट्सएप की तरफ से। अगर आप एक व्हाट्सएप यूज़र हो तो ज़रूर से कमेंट्स में लिखिएगा, व्हाट्सएप काफ़ी सारे चेंजेस अपने सॉफ्टवेयर में करने के बारे में सोच रहा है, प्लान कर रहा है या फिर टेस्ट कर रहा है। उसी के बीच में एक रिपोर्ट निकल के आया है कि व्हाट्सएप अपना जो वॉलपेपर डिवीजन है उसको भी थोड़ा चेंज करना चाह रहा है, क्योंकि इन फ्यूचर व्हाट्सएप पे आपको अलग अलग चैट पे अलग अलग वॉलपेपर रखने का ऑप्शन व्हाट्सएप पे आपको मिलेगा। तो अगर आपका कोई पर्टिकुलर ग्रुप है तो उस ग्रुप में किस तरह का डिस्कशन होता है उसके ऊपर डिपेंड करके आप उसका वॉलपेपर रख सकते हो, जो डेफिनेटली काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाला है। अगला अपडेट निकल के आता है शाओमी की तरफ से। शाओमी का मी स्टोर्स ऑन व्हील्स। शहरों में तो आपको काफ़ी सारे मोबाइल के दुकान दिख जाता है जहाँ पे जाके आपको MI के प्रोडक्ट भी मिल जाता है या फिर मी का प्रोडक्ट भी मिल जाता है, लेकिन गाँव में लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ से आपको काफ़ी दूर आपको जाना पड़ता है तभी जाके आपको हो सकता है वहाँ पे कोई दुकान मिले जहाँ से MI का आपको स्मार्टफोन मिले या फिर बाकी डिवाइसेस मिले। लेकिन ये जो MI स्टोर ऑन व्हील्स है ये एक्चुअली गाँव को फोकस करने के लिए ही किया गया है कि ये गाँव में ये आपका घूमेगा विथ ऑल प्रोडक्ट्स, और वहाँ से लोग मतलब अरे भाई रुको रुको रुको, अच्छा मुझे एक MI का स्मार्टफोन दे के जाओ। तो इस तरह से आप स्मार्टफोन कहिए या फिर MI का काफ़ी सारे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स है वो भी आप वहाँ से खरीद सकते हो। ये इनिशियली स्टार्ट हुआ है छत्तीसगढ़ से और मनु कुमार जैन ने ट्विटर में इसको शेयर किया है। पिक्चर्स तो आपने देख ही लिया कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाला है। अगर पूरे इंडिया में इस तरह का उनका गाड़ी घूमता रहे तो बाकी ऑपरेटर्स का तो बैंड बजने वाला है, और उनको भी यानी रियलमी का, वन प्लस का, सैमसंग का आपको ऐसे ही गाड़ी इन फ्यूचर देखने मिल सकता है। अगला अपडेट निकल के आता है BSNL की तरफ से। BSNL ने कम्प्लीटली पूरी तरीके से 4G में कन्वर्ट कर लिया है। अब पूरे इंडिया में अरे यार सपना मत देखो, मतलब हो जाएगा कब मत पूछिए। अब BSNL ने कम्प्लीटली 4G में स्विच कर दिया है। ये स्विच किया है रोहतांग टनल जो है या फिर अटल टनल जिसको कहा जाता है, जो 8.8 किलोमीटर्स का आपका लेंथ है, 3000 मीटर्स के ऊपर का, दिस इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल। उसके अंदर कम्प्लीटली टनल का एक एंड से दूसरे एंड तक आपको BSNL का हाई स्पीड 4G कनेक्शन मिलेगा। अब टनल से निकलने के बाद आपका 3G यूज़ कर सकते हो, लेकिन टनल के अंदर आपको 4G मिलेगा, और काफ़ी अच्छा चीज़ है यार। एटलीस्ट टनल के अंदर तो कर दिया, अब बाहर का भी थोड़ा सोच लो कि कब तक आप कर पाओगे। अगला अपडेट निकल के आता है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi एक ऐसे बजट स्मार्टफोन के ऊपर काम कर रहा है जहाँ पे आपको फ्लैगशिप लेवल का 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा। 108 मेगापिक्सल कैमरा आपको तो फ्लैगशिप स्मार्टफोन में ही देखने को मिलता है, लेकिन Xiaomi ऑलरेडी एक ऐसे स्मार्टफोन के ऊपर काम कर रहा है जहाँ पे आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, और रूमर्स का देखें तो प्राइस कहा जा रहा है कि 20,000 से 25,000 रुपये के अंदर होगा, जो डेफिनेटली काफ़ी एक एक्साइटिंग प्रोडक्ट होने वाला है। अगला अपडेट करके आता है रिलायंस जियो की तरफ से। रिलायंस जियो दे रहा है 1 साल फ्री सर्विस। हाँ, 1 साल का फ्री सर्विस। कितने लोगों को मिलेगा 1 साल का फ्री सर्विस, फ्री में डेटा, फ्री में सब्सक्रिप्शन? 70,000 लोगों को रिलायंस जियो दे रहा है। ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है ये, आपका 12th of October तक आपका ये ऑफर चलेगा। क्या करना होगा? कुछ नहीं, सिर्फ एक 5 रुपया का पर्क खरीद के उसका फोटो लेके रिलायंस जियो का जो आपका माई जियो है उसके अंदर जियो एंगेज में जाके आपको एक पर्क का आपको कंटेस्ट आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। वहाँ पे जाके जस्ट आपको अगर ये आपका रैपर है तो ऊपर से आपको कैमरा लेके फोटो उठा के वहाँ पे अपलोड कर देना है, और 70,000 लोगों को इस 2121 जो रिलायंस जियो का रिचार्ज है वो मिलेगा। 400 MB करके डेटा मिलेगा, और रिलायंस जियो का जो जियो सावन प्रो सब्सक्रिप्शन है उसका 1 महीने का सब्सक्रिप्शन, टोटल जो प्राइजेस है वो 70,000 है। हर दिन 1200 से भी ज़्यादा लोगों को ये दिया जाएगा। अगर आप चॉकलेट खाते हो तो एक 5 रुपये वाला पर्क खरीद के अपना लक ट्राई कर सकते हो। और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो ज़रूर से वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा,
और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके पास से बेल आइकन को बजा के ऑल नोटिफिकेशंस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं हर दिन आपके लिए जेन्युइन टेलीकॉम का न्यूज़ लाने की कोशिश करता हूँ। एंड दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू, चलो बाय।